इसके आवाज़ से ही आपको मालूम पड़ रहा है ना ये कितना हार्ड है, और आपको हम स्पून से दिखा रहे हैं कि कितना ये क्रंची है। बाहर से जितना ये हार्ड है, अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट है। आपको हम तोड़ के भी दिखा रहे हैं। आज हम सोयाबीन और अंडा से ये स्नैक्स बना रहे हैं, जो कि बाहर से काफ़ी हार्ड है, क्रंची है, और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। ये स्नैक्स को आप शाम की चाय के साथ बारिश का मज़ा लेते हुए खा सकते हैं, या फिर आप बच्चे को टिफिन में पैक करके दे सकते हैं। बच्चे तो मांग मांग के ये खाएंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जो क्रिप्सी बना हुआ है वो क्रिप्सी बना हुआ ही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकृति और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम पानी डालेंगे। पानी मेरा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। अब एक छोटा कटोरी हम सोयाबीन को लेंगे। सोयाबीन इस पानी में डाल देंगे और 4 से 5 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे फूलने के लिए। सोयाबीन काफ़ी अच्छे से फूल गया है, साइज में भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हम इसका पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। सोयाबीन के अंदर ज़्यादा पानी को रहने नहीं देंगे हम। दोनों हाथ की मदद से हम अच्छे से पानी को निचोड़ लेंगे। ऐसे करके हम सारा सोयाबीन का पानी को अच्छे से निचोड़ के हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे। सारा सोयाबीन मेरा मिक्सी जार में आ गया है। अब इसको हम पीस लेंगे, लेकिन पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी का ही हम इसे पीस लेंगे। सोयाबीन को ज़्यादा पीसना नहीं है, ये दरदरा ही पीसेंगे। बस 1 से 2 बार मिक्सी चला के इसे पीस लेंगे। ये इस टाइप का रहेगा। अब पीसा हुआ सोयाबीन को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे। इसको छोटा छोटा काट लेंगे। हम एक साथ दोनों मिर्ची को लेके कट कर लेंगे, ताकि मिर्ची मेरा जल्दी कट जाए। अब हम छोटा सा अदरक लेंगे, उसको भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट के डाल देंगे। और अब हम अदरक और मिर्ची को कूट लेंगे। कूटा हुआ अदरक मिर्ची का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अदरक मिर्ची को अच्छे से कूट लेंगे, जब तक अदरक का पूरा अच्छे से रस ना निकल जाए। अब हम सोयाबीन के ऊपर अच्छे से निकाल के डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, और अब थोड़ा सा नमक लेंगे। 1 चम्मच हम बेसन लिए हैं। अब हम एक अंडा को तोड़ के डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। इसमें बेसन है, इसलिए हमें अच्छे से मिलाना है, ताकि बेसन का कहीं लम्स ना रह जाए। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा डालेंगे। कॉर्नफ्लोर का आटा ना हो आपके पास तो आप चावल का भी आटा यूज कर सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम 2 चम्मच सूजी को लेंगे। सूजी मेरा पतला दाना वाला है, और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं और चटनी का तैयारी करते हैं, क्योंकि स्नैक्स के साथ चटनी ना हो तो मज़ा ना आए। इसके लिए हम थोड़ा सा धनिया पत्ता लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता डालेंगे। अब 2 हरी मिर्च को लेंगे। अब थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। अदरक मेरा 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम है। 1/2 कटा हुआ टमाटर, 4 से 5 लहसुन का कली लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक को डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल, ये मैंने 1/2 चम्मच लिया है। अब इसका हम चटनी बना लेंगे। चटनी मेरा काफ़ी अच्छे से पीस गया है।
अब इसमें थोड़ा सा हम आधा चम्मच चीनी डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम ढक के छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे दो रस्क लेंगे, इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। मैंने ब्रेड क्रम का यूज नहीं किया है यहाँ पे। और अब हम सोयाबीन का बैटर को छोटे छोटे बॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें काफ़ी मॉइस्चर है, इसे हमें हल्के हाथ से गोल करते जाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब हम रस्क का जो मेरे पास चूर्ण है उसमें अच्छे से हम कोट कर लेंगे। कोट मेरा परफेक्ट हो गया है। अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। धीरे धीरे करके हम सारा बॉल को इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन हाथ को हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो वो अच्छे से गोल शेप में नहीं आएगा, वो बीच से फट जाएगा। मेरे पास सोयाबीन का जितना बैटर है उसे 5 to 6 ईजिली बन जाएगा बॉल। बॉल बनाने के बाद हम अच्छे से कोट कर लेंगे इस क्रम में, और एक एक करके रखते जाएंगे प्लेट में। सारा बॉल बन के रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में रहेगा क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद गैस का फ्लेम को हम कम कर देंगे। फिर एक एक सोयाबीन का बॉल को हम डालते जाएंगे इसमें। स्लो फ्लेम में हम इसलिए पका रहे हैं ताकि इसमें अच्छे से अंदर से पक जाए, क्योंकि मैंने इसमें बेसन डाला है। और हम हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये पकने के लिए ऊपर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा ही लगेगा और बेसन का कच्चापन स्वाद आएगा। इसे हम धीरे धीरे करके हिलाते जाएंगे, नहीं तो नीचे से कहीं चिपकने का डर रहेगा। जब सब बॉल का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जलने लगेगा। इसका कलर काफ़ी अच्छे से ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। ये साइज में भी थोड़ा बड़ा हो गया है, कलर काफ़ी अच्छे से आ गया है ब्राउन कलर। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे कि जो भी तेल मेरा है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू पेपर के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक शेयर कर लेना। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।